तो कल उन्होंने ये बताया कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है इसके दो फेज हैं अभी। पहला फेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, जितने भी केवाईसी अप्रूव्ड लोग हैं वो सब के सब डेटा पूरा ट्रांसफर हो जाए हमारा ईहा, जो एडवर्टाइजिंग का जो हमारा वेबसाइट है। वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको विश्वास नहीं है, अभी भी डर लग रहा है, वो कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको अपनी फैमिली पे विश्वास नहीं है तो आपकी फैमिली भी आप पे विश्वास नहीं करेगी। ऐसी तरह से कंपनी है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, उस पे सबसे पहले आपको फेथ करना होगा, बिलीव करना होगा, बोलते ना बिलीव इन योर सेल्फ, तभी आप उस कंपनी में आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि सबको पता है कि कल हमारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग हुई थी और कुछ अपडेट्स आए थे, तो उसके लिए हमारे टैग टीम के मेंबर श्री आलोक जी हमारे साथ हैं। तो समय को व्यस्त ज्यादा बिताते हुए नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कल की अपडेट्स है उसको देंगे, क्योंकि सब लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। हम लोगों ने तो देखा समझा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि एक सेकेंड में वहां पे एक सेकेंड भी शायद नहीं लगा था, हाउसफुल हो गया था 1000 लोग। तो और बहुत से लोगों के मैसेज आया, जी मैं एंट्री नहीं कर पाया, मैं अच्छा यूट्यूब पे लिंक होता नहीं है उसका। तो उसका बेस्ट तरीका है कि जो भी हमारी जूम ट्रेनिंग्स होती है उसके अंदर हम लोग इसकी अपडेट्स देते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा आलोक जी का, आलोक जी आए और कल के अपडेट्स के बारे में सभी को अवगत कराए दिल थाम के। वेलकम सर जी। शुक्रिया सुनील भाई, और बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और उम्मीद करूंगा सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे, अपना और अपना परिवार का भी। इनफैक्ट पिछले साल से ये दिक्कत शुरू हुई कोरोना की, फरवरी या मार्च से शुरुआत इसकी हुई और एक साल से भी ऊपर हो गया, हम लोग अब मई में हैं। तो इन एक साल दो तीन महीने जो समय बीता है पिछला, उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूं कि हम अभी तक कुशल मंगल, सकुशल, सेहत याफ्ता और आराम से हैं, सेहतमंद हैं। इतनी बड़ी नेमत दुनिया में हो नहीं सकती सेहतमंद होने के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग जो हैं बहुत बहुत ध्यान रखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले समय में बहुत परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, काम करने लायक भी हो जाएंगी और एक अच्छी दुनिया का हम लोग यहाँ पे निर्माण करें, एक अच्छा वातावरण यहाँ पे आ जाए, ऐसा मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। तो खैर, इन सब के बीच में मुस्कुराते भी रहना है, सेहतमंद भी बने रहना है, जिंदा भी रहना है और सरवाइव भी करना है। ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम सब लोग अपना और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबका ध्यान रखें। इनफैक्ट कल जो पता चला मुझे बाद में कि डॉक्टर अशोक की फैमिली से ही केवल 3 ऐसे हादसे पेश आए हैं, तो एक ही परिवार में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप सोचिए कि कितना खौफ का माहौल होगा, कितना एहतियात की जरूरत है आपको। तो खैर, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि वो सबको जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबकी जो है हम लोग की दुआएं भी कबूल करें। कल जो मीटिंग हुई, कल इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ जानकारियां मिली हैं, मिस्टर अरुण नाय थे, मिस्टर करू भी थे, और उन जानकारियों पे, उन अपडेट्स पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं अभी। तो कल उन्होंने ये बताया कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है इसके दो फेज हैं अभी। पहला फेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, जितने भी केवाईसी अप्रूव्ड लोग हैं वो सबके सब डेटा पूरा ट्रांसफर हो जाए हमारा ईहा, जो एडवर्टाइजिंग का जो हमारा वेबसाइट है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को ये रफ अनुमान एक लग जाएगा कि कितने टोटल लोग हमारे केवाईसी अप्रूव्ड हैं। तो करीब करीब एक अनुमान के मुताबिक 30 लाख में से जो एडवर्टाइजिंग वाले जो लोग थे एड पैक्स के माध्यम से, प्लस
जो 10-12 लाख जो है वो कंपनी की तरफ से भी मदद किए गए लोग, तो करीब 16-17 लाख लोग जो है वो विज्ञापन वालों की तरफ, एजेंसी की तरफ से आने हैं, और 12-13 लाख जो है वो हम लोगों को करने हैं, जिसमें से करीब 5-6 लाख जो है वो आ चुके हैं, उनका डेटा ट्रांसफर हो चुका है, सक्सेसफुली कर चुके हैं लोग। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे मैं भी अपील करूंगा, मिस्टर अरुण ने भी अपील की कल, कि जितना जल्दी हो सके हम अपना ये रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम पूरा करें। तो फेज 1 में यही एक कार्यक्रम है कि आप वहां पर रजिस्टर करेंगे, आपके डिटेल्स वहां पहले से मौजूद मिलेंगे, आपको अपनी एज भरनी है, जेंडर भरना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको कैटेगरीज जो आपको चॉइसेस दी गई हैं वो सिलेक्ट करनी है। 80 चॉइसेस हैं वहां पे, 80 फील्ड्स में करीब आपको 25 या उससे ज्यादा आपको चुनने हैं, उन सेक्टर्स को चुनना है जिनके विज्ञापन, जिनसे संबंधित विज्ञापन आप देखना पसंद करेंगे। तो मोटा मोटी 25 में कैटेगरीज में दो दो विज्ञापन हर कैटेगरी से आएंगे, तो 50 विज्ञापन वो हुए, और 10 विज्ञापन जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कंपनी अपने मर्जी के हिसाब से देगी, तो टोटल संख्या बन जाती है 60। ये जो डेमो का जो सिलसिला है ये फेज 2 में शुरू होगा, और ये तब शुरू होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारा जितना जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाए उस पे, जिससे एड एजेंसी को ये अनुमान हो जाए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके के एड ज्यादा पसंद किए जाएंगे। इसी के आधार पे वो अपना आइटनरी तैयार करेंगे कि इस तरीके से हमें एड्स दिखाने हैं, इस कंट्री में इस तरीके से, इस कंट्री में ऐसे, उसी आधार पे ही वो आकलन कर पाएंगे। तो ये 2 फेजेस की प्रक्रिया है। पहला फेज हम लोग जितनी जल्दी पूरा कर लेंगे उतना ही जल्दी दूसरे फेज में प्रवेश करेंगे, और ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो इसी महीने में उन्होंने उम्मीद जताई है मिस्टर अरुण ने, कि जो रियल जो प्रोग्राम है एड का वो भी इस महीने शुरू होने की उम्मीद है। क्योंकि अभी रमजान का भी वक्त चल रहा है और काफी सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं जितने, उन लोगों के लिए रमजान का जो है वो काफी महत्व है। 13, 14, 15, 3-4 दिन मेरे ख्याल से ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी, और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से जो है मनाया जाएगा ईद का त्योहार। उसके साथ ही इस महीने में ये अगर शुरुआत हो जाती है तो सभी लोग जितना जो बहुत प्रतीक्षा एक साल से कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षाओं का परिणाम वहां पर मिलेगा, और मेटिकुलस तरीके से बहुत अच्छे शांत मन से बहुत प्रॉपर तरीके से ये हम प्रक्रियाओं को पूरा करें, उसमें कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। खास तौर से ईहा वाले सेक्शन में आपको जो भी डिटेल्स आपके दिख रहे हैं अगर उसमें कुछ भी गलती है तो वो एडिट कर सकते हैं आप। ईहा में एडिट का ऑप्शन है, आप अपने जो क्रिएट कर लेंगे तो प्रोफाइल में जाइए, देखिए आपकी सारी चीजें हैं ठीक ठाक है, नहीं है तो उनको एडिट करके ठीक कर लीजिए। ये सुविधा या लाइफस्टाइल में केवल मोबाइल नंबर के सिलसिले में है, अदरवाइज वहां पे आपको सपोर्ट को ही ईमेल लिखनी पड़ती है अगर कोई चीज एडिट करनी है या चेंज करना है। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने, जितने भी यहाँ मौजूद हैं उन सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद के जो एड्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए होंगे, उसको सबमिट कर दिया होगा और कंप्लीट कर लिया होगा। तो यही एक मेन मुद्दा था कल की मीटिंग का, कि ये फर्स्ट फेज हम लोग जितना जल्दी कंप्लीट करें उतना ही जल्दी हम सेकंड फेज में एंटर करेंगे, उसी के बाद जो है वो रियल एड का प्रोग्राम शुरू होगा। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आगे आने वाले वक्त में बहुत एक्साइटिंग न्यूज और बहुत अपडेट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए लगातार अपनी आईडी को प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर लॉग इन करें। दिन में मैं अनुरोध करता हूँ कि दिन में कम से कम 8 या 10 बार अपनी आईडीज को जरूर खोलिए, उससे जो है वो एक alexa.com एक तो है उस पर ट्रैफिक जनरेट होता है, उस पर जितने क्लिक्स जितने भी हिट्स पड़ेंगे हमारी वेबसाइट पे उससे भी एक रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को। तो फॉर एग्जाम्पल 30 लाख लोग हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 8 से 10 बार भी अपने वेबसाइट खोली, अगर उसको विजिट किया, तो आप समझिए कि करीब 3 करोड़ हिट्स जो हैं
उस पर पड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो ट्रैफिक जनरेट होगा, उसी हिसाब से वो रेवेन्यूज जनरेट होंगे। ये बहुत वेल प्लान्ड तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं। हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को चैलेंज करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत ही 30 लाख जैसी संख्या से हो रही है, और आप सब लोगों का जितना सामूहिक सहयोग है, ये सामूहिक प्रयास हमारा जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के रूप में सामने आने वाला है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और सेशन हैंड ओवर करूंगा सुनील सर को।